लुलू वाले बयान पर आपकी पिछली बार तमाम उसमें ऐड चल रहा है इस बार वैसे सर अब तो आपकी मिमिक्री होनी शुरू हो गई है। देखिए वो लोग जो उसमें अरबी का नाम है, अरबी का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है लुलू। अच्छा कुरान, कुरान के बारे में कितना जानते हैं आप, मुझे पढ़ाइए किसी दिन। कुरान के खुद मतलब क्या है, लफ्ज कुरान के हिकमत के, ये तो किताब हिकमत है, कुरान का मतलब बताइए। किताब दीन भी है, किताब हिकमत भी है। और देखिए शब्द ये नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मैंने इस्तेमाल किया, शब्द अरबी में पढ़ेंगे आप तो ये शब्द नहीं है। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंडरेजर है, उसने माल बनाया है, नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गरेबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे, हमसे जवाब नहीं देते। कहाँ लीडरशिप रह गई? आजम साहब ओवैसी साहब ने एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के ऊपर जो फूल बरसाए जा रहा है और मुस्लिमों के साथ मतभेद किया जा रहा है, उनके बयान के लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। सवाल आप उनसे करें, आपको क्या लगता है सर, क्या कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करनी गलत है? मैंने गलत तो सही कहा ही नहीं, आपको क्या लगता है वही हम जानना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे कुछ लगता ही नहीं, खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में आवाज नहीं। आजम साहब पश्चिम बंगाल में जो कैश बरामद हो रहा नेताओं के पास से, किस तरह देखते हैं इस तरह के, कहाँ जा रही है सर? मैंने कहा ना मैं अंधा हूँ, दिखता ही नहीं मुझे, देखो चश्मा लगा रखा है, अंधे को क्या दिखेगा। हाँ सूरदास नहीं हूँ, जन्म का अंधा नहीं हूँ, हालात से अंधा।